पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में निर्वाचन क्षेत्र अमलोह विधायक काका रणदीप सिंह नाभा ने मंडी गोविंदगढ़ के 10 सरकारी अस्पताल को 1 लाख रुपए के 10 ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर सौंपे। इस मौके पर विधायक ने कहा कि अमलोह विधानसभा क्षेत्र में किसी को भी ऑक्सीजन की समस्या होने नहीं दी जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि एयर कसानतारा से ऑक्सीजन बनाने के लिए सीधे मरीज को काम दिया जाएगा। वहीं विधायक ने लोगों से अपील भी की है कि कोरोना से बचाव के लिए जल्द से जल्द सभी को टीका लगवाएं और टीकाकरण के बाद भी कोविड के खिलाफ टीकाकरण के संबंध में सभी निर्देशों का पालन करें, यही सारी मानवता की भलाई है। और 10 से 10 सिविल सर्जन साहब वालों इतने टीम आई है, उन्होंने डिप्यूट किए हैं कि साड़ी कोशिश है कि गोविंदगढ़ कल परमात्मा ना करे या खुदा ना खास्ता ऐसा वाकया होए कि कोई तीजी लहर चलती है ताकि जिंदगी बचा सकी। तो साड़ी कोशिश यह है कि 10 से 10 यह गोविंदगढ़ सिविल हॉस्पिटल लगाए जाए जिथे उन्होंने C1 का वार्ड बनाया सब तो उसके थान पर, लेकिन इसका निर्णय या अंतिम फैसला साढ़े डिस्ट्रिक्ट के प्रमुख होंगे DC साहिबान सुरभी, उन्होंने मलिक मैडम ने उन्होंने लेना है। और बकायदा उन्होंने उन्होंने यह उपराला है कि यह लोगों की वरतों लिए यह यूटिलाइज किए जाए और गुरदर्शन सिंह फाउंडेशन वालों ये योगदान इतने 10 कॉन्सनट्रेटर का किया जा रहा है और उमें ही गाहानू 7-8 असी अमलोह भी देवे फाउंडेशन वालों। और मैं विशेष तौर पर धन्यवादी हाँ। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB News को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन दबाएं।